hello students good morning to all uh, today we will discuss about epithelial tissue okay today we will discuss about epithelial tissue in the last class we had uh, just introduced classification of animal tissue and in the animal tissue first tissue is epithelial tissue okay it is the first one फर्स्ट टिश्यू दैट इज एपीथीलियल इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू ओके इट इज़ द टिशू दैट ग्रोज अपॉन अनादर टिश्यू या फिर आप बोलो कि जो जितने भी आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं कैविटीज हैं ठीक है उन सबको प्रोटेक्ट करने वाला आउटर मोस्ट जो लेयर फॉर्म करता है दैट इज एपीथीलियल टिश्यू ओके इट इज़ वेरी सिंपल इट इज़ वेरी सिम्पल इन स्ट्रक्चर इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर ओके इट विल कवर बॉडी ऑर्गन्स एंड कैविटीज जो भी खाली जितने भी स्पेस है उन uh, उनको कवर करने वाला अगर आप कंसिडर करो लाइक like दिस तो इसकी इंटरनल जो ये लाइनिंग है ये भी कौन फॉर्म करेगा एपीथीलियल टिश्यू नाउ इट सेपरेट डिफरेंट बॉडी सिस्टम बॉडी के बॉडी सिस्टम मीन्स लाइक योर किडनी एक्सक्रूटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम सारे क्या सारे सिस्टम्स को अलग करने वाला लाइक like, आपके दो रूम्स को अलग करती है दैट इज अ वॉल वॉल दीवार जो होती है सिमिलरली इट सेपरेट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स ऑफ द बॉडी ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स ओके द सेल्स ऑफ द एपिथीलियल टिश्यू विल बी क्लोजली पैक्ड बहुत ही ज़्यादा क्लोज पैक होंगे लाइक दिस इज दीज आर द सेल्स लेयर ऑफ सेल्स ये लेयर ऑफ सेल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड हैं देर इज अ नो गैप इन बिटवीन नेक्स्ट वन वेरी लिटल इंटर सेलुलर स्पेस इंटर सेलुलर स्पेस का मतलब होता है दिस इज वन सेल दिस इज सेकेंड सेल इन दोनों सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है होगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है अदरवाइज देर विल बी नो इंटर सेलुलर गैप सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है बेसमेंट मेम्ब्रेन जिस लेयर के ऊपर देर इज अ पर्टिकुलर लेयर ऑन दैट द सेल्स विल बी अरेंज लेयर है एक जिसके ऊपर ये सेल्स अरेंज हो जाते हैं दैट लेयर इज़ नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन ओके बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके सो दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे या टिश्यूज होंगे वो आपके कनेक्टिव टिश्यूज होंगे अगर मैं बोलूँ दिस इज द सिलेंड्रिकल ब्लड वेसल ब्लड जिसके अंदर जाता है एक लाइक स्ट्रक्चर -like है तो जो इसकी ये वॉल बनाएगी ना जो ये ऊपर की कवरिंग ियल सेल और अंदर जितने भी सेल्स होंगे या टिश्यूज होंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है epithelial skin, जो आपकी बक्कल कैविटी जो ओरल कैटी होती है जो माउथ की कैविटी है ठीक है माउथ की कैटी के अंदर भी एपीथीलियल सेल्स अरेज होंगे ब्लड वैसा अभी एग्जाम्पल बताया है और इवन एल्वोलाई लंग्स के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसके थ्रू जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज दिसल और एल्वोलाई एल सिंगुलर प्लूलर का डिफरेंस है एलवियोलस तो ये एलवल की लाइनिंग भी दिस लाइनिंग ये लाइनिंग ये जो मेमब्रेन ये बनी होगी दिस वन इज

रिलीज करनाशन का मतलब होता है बेटा कुछ ऐसा लिक्विड या केमिकल सबस्टांस बनाना ठीक है लाइक स्वेट जैसे पसीना होता है लाइक like सलाइवा जो आपके माउथ के अंदर लिक्विड पार्ट होता है म्यूकस एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो आपकी स्टमक के अंदर भी आ, सिक्रीट होता है स्टमक की जो वॉल होती है उसके अंदर सेल्स पर्टिकुलर सेल्स म्यूकस चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज करते हैं ताकि हमारे जो स्टमक को एफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट कर सकें एंजाइम्स सर्टेन एंजाइम जो केमिकल रिएक्शन या डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो भी इन पर्टिकुलर कुछ सेल्स सिक्रीटरी नेचर के हो जाते हैं उनसे सिक्रीट होते हैं ओके okay? अगर हम ओवरव्यू देखें वट आर द फंक्शंस ऑफ दीज एपीथिलियल टिश्यू दीज हेल्प्स इन द हीलिंग अगर किसी को चोट लग जाती है जैसे हम बोले यहाँ पर स्किन तो किसी को चोट लग जाती है अगर तो ये सेल्स अपने आप जो है इनके पास कैपेसिटी होती है ये दोबारा से वो घाव को भर देते हैं चोट को घाव को मूड्स को भर देते हैं नेक्स्ट वन हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट लाइक स्वेट स्वेट के अंदर अः जो आ, आपके एक्सेस आपके जो अः uh, सॉल्ट है बॉडी से वो स्वेट के थ्रू आपकी बॉडी के थ्रू रिमूव हो जाते हैं नेक्स्ट वन इट हैज इन द प्रिवेंशन फ्रॉम द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन अब देखो आपकी स्किन के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एंटर नहीं कर सकता तो हम कह सकते हैं एपीथीलियल टिश्यू हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज प्लस कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर ये जो एपीथीलियल सेल्स हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बिल्डअप करने में हेल्प कर देते हैं लाइक like हेयर्स फ़ैदर्स जो पंख होते हैं नेल्स होते हैं नाखून और हॉर्न्स जो सीन होते हैं जो एनिमल्स uh, में सो दिस इज ऑल अबाउट एपीथीलियल टिश्यू बट एपीथीलियल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है जो हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बेसिस पर डिफरेंट जो उसकी टाइप्स uh, है वी विल डिस्कट डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर सो दिस इज़ ऑल अबाउट एपिथीलियल टिश्यू ओके थैंक यू स्टूडेंट्स